अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती है। सिर्फ चंद ही इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, 2 से 3 इंग्रेडिएंट से, और सिर्फ 2 मिनट में तैयार होती है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पॉपकॉर्न बनाने। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। जी, पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश कर लिया है और फ्लेम को ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से खुश कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 चावल वाला चम्मच होता है जिसे हम चावल खाते हैं, वो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। इसमें 1/4 टीस्पून हम इस नमक ऐड कर देंगे और इसको जो है थोड़ा मिक्स करेंगे। अगर कोई नमक की डली वगैरह हो तो उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि डली वगैरह जो है ख़त्म हो जाए। जी, अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे और कॉर्न को अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे, ताकि नमक हर दाने पर जो है लग जाए। और जब इसमें से फूटने की आवाज़ आना शुरू होगी तो फिर जो है मैं इसको कवर अप कर दूँगी। जी, आप देख सकते हैं ये फूटने की आवाज़ आना शुरू हो गई है और कॉर्न जो है वो तैयार होना शुरू हो चुके हैं पॉपकॉर्न। तो इस पॉइंट पर हम इस पर कवर कर देंगे इसको, और जब तक इसको कवर रखेंगे जब तक जो है ये आवाज़ आती रहेगी। जी, फुट फुट की आवाज़ आना जो है वो बंद हो गई है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और मैं आपको जो है पॉपकॉर्न दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी, आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और आवाज़ आना भी बंद हो गई थी, तो मैंने कवर जो है इसका उठा दिया है, जो इसका ढकना था। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। जी, डिश आउट कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न जो है वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। सिर्फ 2 मिनट में ये तैयार बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इसको बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और बड़े भी कम नहीं, बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से ही खाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, इस किस्म की छोटी छोटी रेसिपीज बनाते रहा करें, ताकि बच्चे जो है वो खुश होते रहें। बिल्कुल बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, 2 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और घर में आराम से तैयार हो जाते हैं। इसमें हमने करना क्या है, मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था, जो कि हम जिससे हम चावल खाते हैं, और इसमें 1/4 टीस्पून हमने सिर्फ नमक ऐड किया था, और आधी प्याली से भी थोड़े से कम ही होंगे कॉर्न जिसको मैंने बनाया है। तो आपके सामने ये पूरी प्लेट जो है वो तैयार हो गई है, कितने ज़बरदस्त ये हैं तैयार हुए हैं। तो इसको बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं, इस को आप मेहमानों के सामने भी नोश फरमा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये 2 मिनट में तैयार होने वाली डिश है। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएँ और उनके बच्चे भी हों, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अचानक से आप घर में इस तरह की जब चीज़ देंगे तो बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आराम से पहुँच जाती है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो जो है मिलेगी जब आप घंटी के बटन पर जो है क्लिक करेंगे, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप वॉच करने के बाद आप भी दे सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। आप इस तरह से ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके पॉपकॉर्न कैसे बने, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट।